पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यहां कई मामलों को लेकर बड़े बयान दिए हैं। इन बयानों के बाद मैनपुरी राजनीति में हलचल मच गई है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैनपुरी पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोर का शुभारंभ करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यहाँ कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने बताया कि जिनके ऊपर अभी छापे पड़ रहे हैं उनके पास कुछ नहीं मिलेगा, पर जब 3 महीने के बाद इन लोगों के यहाँ छापा पड़ेगा तब लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या होता है। इन लोगों के पास कुछ मिलेगा नहीं जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेकिन यही लोग इनके ऊपर जब 3 महीने बाद छापे पड़ रहे हैं डालेंगे तब आप लोग देखना कि क्या क्या होता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मांगी होगी, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। अनुमति नहीं मांगी होगी, वरना अनुमति होती तो उतर नहीं दिया जाता। साथ ही जहरीली शराब के कारण हो रही मौतों को लेकर बताया कि जहरीली शराब के कारण इस सरकार में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता, और शराब के जो एक्साइज के ऑफिसर्स हैं उनकी और जो स्थानीय नेता हैं इन दोनों की मिलीभगत के चलते जो जहरीली शराब है वो बिक रही है, जिसके चलते ये लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। ऐसा है, इस सरकार में बिना पैसा लिए कोई काम होता नहीं, और जो शराब से एक्साइज के ऑफिसर्स हैं उनकी और स्थानीय जो नेता हैं बीजेपी की उनकी मिली भगत से जो जहरीली शराब है वो बिक रही है और उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विपक्ष चुनाव जीतेगा, बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकती। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बचाव करते हुए कहा है कि जो कुछ मीडिया में कहा गया है वो कुछ भी जजमेंट में नहीं है, ये सोशल मीडिया के द्वारा वायरल की जा रही बातें हैं, ये पॉलिसी केंद्र सरकार की है क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सोशल मीडिया के जरिए पहले ये चीजें वायरल की जाती हैं झूठी, जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं। वहीं अखिलेश सरकार द्वारा मायावती द्वारा लगाई गई मूर्तियों की जांच पर कहा गया है कि पिछले समय इसकी जांच की गई थी तो कुछ भी गड़बड़ नहीं पाई गई, अब जब इन दोनों में समझौता हो गया है इसलिए सरकार धमकाने के लिए ऐसा कर रही है। अब खुद देखिए कि ऐसा कोई बचा है जिसके खिलाफ ये सरकार कुछ कर न रही हो। मैंने सावधान किया था इस सरकार को कि ये 2019 में सरकार चली जाएगी और ये जो कानून बना रही है और जो हथकंडे अख्तियार कर रही है ये खुद अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात हो रही है, जिसके दुष्परिणाम भी इनको खुद ही भुगतने पड़ेंगे। अखिलेश यादव की सरकार ने जांच की थी, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई, अब तो दोबारा ये जब समझौता हो गया है तो ये गवर्नमेंट जो है धमकाने के लिए सारी बातें कर रही है। उनके पास कुछ भी नहीं होता तो कुछ कर ही देती, आप देख नहीं रहे कोई ऐसा बच्चा जिसके ऊपर इनकम टैक्स ईडी से लेके सब न हो रहा हो। मैंने सावधान किया था इस गवर्नमेंट को कि 19 में ये गवर्नमेंट चली जाएगी और ये जो कानून बना रही है, जो हथकंडे अख्तियार कर रही है, ये स्वयं अपने लिए गड्ढे खोद रही है और उनको उसके परिणाम दुष्परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बताया है कि प्रियंका अगर इतनी बड़ी गेम चेंजर है तो राहुल गांधी की जगह प्रियंका को अध्यक्ष बनाएं, अगर वो ये महसूस करते हैं कि प्रियंका गेम चेंजर है तो सारे देश का गेम चेंज करें। आप तो पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं 2012 के चुनाव में प्रियंका जी जो है अमेठी और रायबरेली दोनों की इंचार्ज थी, और उसमें रायबरेली की 5 सीट में 4 समाजवादी पार्टी जीती थी, 1 निषाद पार्टी से अखिलेश किसी पार्टी से लड़ लेता, अखिलेश प्रताप सिंह निर्दलीय जीतता वो जीते थे, 1 सीट सोनिया जी की सीट में नहीं जीता पाई प्रियंका, और अमेठी में 3 सीट हम जीते थे, 1 BSP जीते थी, 1 कांग्रेस जीती थी, 10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनको केवल दी गई थी। आप सबने मीडिया पे बार बार दिखाया कि प्रियंका जी अंत में निराश होकर अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों तक को मंच पे ले आएंगे, लेकिन 10 में 9 सीटें जीती थी, विपक्ष जीता और 1 सीट कांग्रेस जीती। तो अगर ये कोई गेम चेंजर की बात है फिर तो राहुल गांधी को हटाएं, प्रियंका को अध्यक्ष बना दें। अगर वो ये महसूस करते हैं प्रियंका गेम चेंजर है तो उन्हें सारे देश का गेम चेंज करना चाहिए।